ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ପିଲା ନିଜର ରୁଚି ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କେଉଁଥିରେ ନେବ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ସେଇଟା ବୋଧେ ତା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବ। निश्चित भाव जहाँ आपड़ कौन कि पिला करियर को जदि निज इच्छा अनुसार चूज करुँचे गुड़े दिग रही जहाँपर कि आम कथापर कन्विन्स करम पेरेन्ट्स मानक कि से मौका दियंतु कि आम करें बिल्कुल ये डॉक्टर दास आप आसपा चाहिए जमीक टिपिकाल कि आम पाखे माइंड सेट रही कि पे डॉक्टर हे इंजीनियरिंग करेंगे ये सब जिनस आम भितर एक्चुअली आम बहुत फास्ट आम चेंज करें टिल टाइम मध्ये ए अवस्था रही है जिते पिलामानक रिजल्ट बाहरी सारूँ विशेष करके साइंस रो जिते रिजल्ट बाहर बहुत पेरेंट्स मैंने बहुत आशावादी था कि पिला तो निश्चित भाव में 100% डॉक्टर ही हम मो पु मो पु कि मो झी इंजीनियर हम तो सेठी आपन को कॉल लगुच कि को मैंने ऑप्ट करबा कथा बा जदि कोनोसी पर्टिकुलर जमी कि किसी पिला को जो सब्जेक्ट अगर परीक्षा ही ना ताको आमे केमिति असेस करबो बा सेटा को देखंतु निश्चय राज्य सरकार किछीटा पद्धति नहीं थिबे जहाँ आधार रे जो विषय गुड़ा परीक्षा हो पारे निश्चय से गुड़ार कंपेनसेट हो जोटा कि पिलांकर भलपाई आखि दृष्टि रखाई कराई द्वितीय कथा है आम जो कहे इंजीनियरिंग कि मेडिकल कि होटल मैनेजमेंट जो माइंड सेटा को आमको चेंज करने को पड़ो सो यहाँ माइंड सेटा को आमको बापा माँ लेवल चेंज करा पड़ो इवेन आप बंधु बांधव भी इनफ्लुएंस करती पड़ोसी घर भी इनफ्लुएंस करती तेणु ये जो माइंड सेट आम समाज आमको चेंज करने पड़ो जोटा कि इनफ्लुएंस कर पिलाई कारण पिलाटा गोटे फर्मेटिव डिस्कवर करने पड़े आम पिला आमको निजे ही भावे पड़ो भितर भी पे कौन इंटरेस्ट देखे बहुत किसी पर जीवनशैली निश्चित भाव में तार भी गोटे प्रभाव निश्चित भाव करियर पर पड़ो डॉक्टर सौजय रंजन दास जो पिला बारंबार कौन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब भल हो खराब होकर नहीं करियर चूज करवा स्वाभाविक कथ आप कौन इनसीस्ट करेंगे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट कथ आप कहे जो थी जब पिला भी बहुत भल हो सामान्य खराब होदे भी से नर्सिंग कहतु डेंटल कहतु फार्मासी फार्मासी कथ कहतु ये सब को दिग को जापर कि देख जदि आपणकर माइंड सेट अच्छी जमी बहुत जन भाई जे सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड टाइप जदि से आपणकर माइंड जदि से अच्छी जमी छोट बलू मोर स्कूल टाइम रु मोर सदा बेले गोटे इच्छा थी जाना ना मुझे डॉक्टर कहीं मो बापा जड़े मानने क्लर्क जड़े थे सेमती से आपणकर निजर जदि माइंड सेट अच्छी जे नाई मुझे गोटे भल डॉक्टर हेबी समाज सेवा करी कि लोकंर कि मोर निजर जीवन को उत्सर करी सही सेट्रे आपण मेडिकल साइंस टाक चूज कले बहुत ही भल मेडिकल साइंस विभिन्न आस्पेक्ट्स अच्छे जमी आमर एमबीबीएस रहिला बीडीएस रहिला फार्मासी रहिला नर्सिंग रहिला यही आस्पेक्ट्स को लेकिन आपण से ही अनुसार निजर क्यारिटा को आपण से बाछी पारे जेहेतु आप जानते एमबीबीएस आउ बीडीएस आपको नीट एग्जाम दबा पड़े नीट एग्जाम जदि आप बहुत भल कर आपणकर क्वालिफिकेशन मार्क 50-60% जदि आप आसी जाऊँगी देन यू आर क्वालिफाइंग फॉर दिस एमबीबीएस सीट एमबीबीएस आपण कलापर आपणकर एमडी अच्छी आपणकर एमडी करेंगे जोटा कि आपणकर पोस्ट ग्रेजुएशन जो कहूँ इट इज टेन्योर ऑफ 3 इयर्स टेन्योर पर आपण पुणी सुपर स्पेशलाइजेशन यूनिट को आपण जाइपरिबे व्हिच इज अगेन ऑफ 2 इयर्स यही सब कलापर आप गोटे माने आपन को गोटे पेसेंस रखा पड़ो जदि मेडिकल लाइन में आठ धर्यटा हूँ सब इम्पोर्टाट धर्ज जदि आप देते टाइम देवे आपन हम आईपाई आपन को निहाती बहुत माने डेडिकेशन डिटर्मिनेशन आउ हार्डवर्क ये तीन टा जिनस आपको निहाती दरकार आपण भितर एज तीन टा जिनस जदि थिबो आपण गोटे भल डाक्तर हो पारे कारण आपण पाखे पेसेंट बहुत क्वेश्चन पचारे आपण को चिड़बे रागे आपण को क्वेश्चन शुणा को ही पड़ेगा जिस सब दिग्वर गुरुत्व पड़ो कहीं जमी कहे कि इंटरेस्ट बल आसी सत कि बहुत सारा जिन आम पर्सनालिटी भितर बहुत सारा जिनस को एड ऑन करने पड़ो तापर जाए गोटे प्रोफेशन में बिल्कुल 100% आम देपर आम सहित तो जड़े कॉलर प्रधान अच्छा ब्रह्मपुर रवींद्र कॉल कर रवींद्र कहतु नमस्कार रवींद्र सीधा साल प्रोफेसर नंद प्रोफेसर नंद शुणी पार्टी रवींद्र कहतु सर नमस्कार नमस्कार
ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସାର୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ କହୁଥିଲି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଯେଉଁ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲି ସେଟା ମୋର ଟିଭି ସେଟା ହେଲା ମୁଁ ଡିସକନ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଇସା ଆପଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଫିସ୍ଟା ଦେଇ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲି ମୋର ସେ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ହେଲା ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ସେଟା କ'ଣ କରିପାରିବି ସାର୍ ଟିକେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାପରେ ମୋର ନିକନ ହେଲା ମାନେ ମୋର ଟିଭି ହେଲା ତାପରେ ବାବା ଏକ୍ସପାୟର କରିଲେ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିଲି ନଥିଲି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫିସ୍ଟା 50,000 ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆଡମିସନ କରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ସାର କଣ କରିହବ ସେଟା ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣ କୋର୍ସ ୱାର୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କୋର୍ସ ୱାର୍କ ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମ ଅଫିସରେ ଡିନ୍ ଆରାଣ୍ଡି ଅଫିସରେ ବୁଝିନେବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ୟୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ୟୁ ଦେବେ, ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 13 ଆଡମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ 8 ବର୍ଷ 21 ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରୁଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଥରକ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ହାଇ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ।